अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब माय नेम इज इन मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक हीट ऑफ तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर सो चैप्टर नंबर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड द टॉपिक 8.6 पॉइंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन सो लेटेंट का मतलब क्या है यह हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था इसका मतलब होता है छुपा हुआ वो चीज जो नजर ना आए सो मींस हिडन एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन सो वेपराइजेशन जो है ये वर्ड निकला है वैपर से और आपको पता है कि वेपर्स क्या होते हैं और वेपर्स कब बनते हैं जब भी आप लिक्विड को बॉयल करते हैं तो बॉइल होते ही उस पर उसमें वेपर्स बनना शुरू हो जाते हैं क्लियर सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं बॉइलिंग बॉइलिंग पॉइंट पॉइंट क्या होता है द टेम्परेचर एट विच आज इन टू गैसियर स्टेट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट सो वो टेम्परेचर जिसपे एक लिक्विड जो है वो गैसियर स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस अगर हम वाटर की बात करें तो वॉटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज हंड्रेड डिग्री सेल्सियस सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वॉटर दैट इज हंड्रेड डिग्री सेल्सियस अब हम डिस्कस करते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइज़ेशन क्या है सो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जिसमें हमने ही डिस्कस किया था कि हीट अब्सॉर्ब हो रही है जब एक सॉलिड जो है वो कन्वर्ट हो रहा होता है लिक्विड में जैसा कि आइस की बात की थी कि आइस कन्वर्ट हो रही है लिक्विड में वो मेल्ट हो रही होती है तो उस स्टेट में टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा होता और तब हीट जो एब्सॉर्ब हो रही होती है हीट कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अब हम डिस्कस करेंगे हीट ऑफ़ वैपराइजेशन सो यहां पर अब बात करें वैपर्स की मीन्स कि जब एक लिक्विड कन्वर्ट हो रहा होता है गैसियस स्टेट में मींस के वेपर्स बन रहे होते हैं सो so, उस स्टेट में क्या होता है कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता लेकिन वो हीट अपने अंदर कर रहा होता है तो वो जो हीट एब्सॉर्ब कर रहा है दैट हीट इज कॉल्ड हीट हीट ऑफ क्लियर सो इसकी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज यूनिट मैस ऑफ लिक्विड कंप्लीटली इन टू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट विदाउट एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड लेट हीट ऑफ वेपराइजेशन So, वो हीट एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड है एक यूनिट मैस इफ लिक्विड को कंप्लीटली चेंज करने में किसमें चेंज करेगा इनटू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट अपने बॉइलिंग पॉइंट पर विदाउट एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर और उसके टेम्परेचर में कोई चेंज ना आए तो उस दौरान वो जितनी हीट अपने अंदर एब्सॉर्ब करेगा दैट हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन सो लेटेंट हीट ऑफ वैपराइजेशन को डिनोट करते हैं एच वी से सो इट इज डिनोटेड बाय एच वी और अब इसका फॉर्मूला डिस्कस करें तो एच वी इक्वल होता है हीट एनर्जी रिक्वायर्ड विच मींस डेल्टा क्यू वी टू चेंज यूनिट मैस वो कितने को को करेगा करेगा वो सारा में तो उसके लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगी दैट हीट इज लेटेंट हीट ऑफ सो अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर की जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है दैट इज टू पॉइंट टू सिक्स मल्टीप्लाई बाई टेन दावर सिक्स जाउल पर किलोग्राम so latent heat of vaporisation of water which is denoted by hv and that is equals to 2.26 multiplied by 10 to the power 6 joule per kilogram clear so this is latent heat of vaporisation of water क्लियर। so, इसी के साथ एक एक्सपेरिमेंट है एक्सपेरिमेंट 8.2। पॉइंट टू हम डिस्कस करते, so, करते हैं इसमें लेकिन यहां पर हम जो पोर्शन डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे लिक्विड और गैस का सो जीरो डिग्री सेल्सियस जहां से टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट हो रहा है वहां पर आपका जो भी सब्सटेंस है वो सारा का सारा लिक्विड में मौजूद है सो so, यहां से हम इसको डिस्कस करेंगे कि लिक्विड से आपका टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ और वो हंड्रेड डिग्री सेल्सियस तक राइज कर गया सो so, फर्दर आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे यहाँ पर राइज नहीं कर रहा लेकिन हीट एब्जॉर्ब हो रही है सो so, इस ड्यूरेशन में क्या हो रहा होगा कि हीट एब्जॉर्ब हो रही है और वो सारे का सारा लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है गैसियस फॉर्म में मींस के वेपर्स फॉर्म में ओके, okay, सो so ये जो हीट यहां पर एब्सॉर्व करेगा दैट इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन सो अब हम फिर तो इसको डिस्कस करते हैं अगर हम बात करें कि जीरो डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो रहा है हंड्रेड डिग्री सेल्सियस तक तो यहां पर यूके टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इसको इंक्रीज होने में कितना टाइम लगेगा सो so ये हम फाइंड आउट करेंगे टाइम टू इंक्रीज इन टेम्परेचर दैट इज डिनोटेड बाय टी नॉट एंड इट इज इक्वल टू टी थ्री माइनस टी टू एंड विच इज इक्वल टू अब आप यहां देख सकते हैं कि अगर हम टी थ्री को टी टू से माइनस करेंगे तो आपके पास टाइम आ जाएगा फोर पॉइंट सिक्स मिनट क्लियर नाउ अब हम फर्दर टाइम फाइंड करते हैं जिसमें आपका जो लिक्विड है वो सारे का सारा गैशिस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है टाइम ऑफ हीट Absorbing, absorption, इसको आप टी वी से रिप्रेजेंट करेंगे और यह हम फाइंड करेंगे टी फोर माइनस टी थ्री से ओके okay? so यहां देख सकते हैं कि अगर हम टी फोर माइनस टी थ्री करें तो आपका आंसर आ जाएगा ट्वेंटी फोर पॉइंट फोर मिनट अगेन temperature kit increase that is 100 degrees Celsius so increase in temperature that represented by delta T and that is equals to 100 degrees Celsius which is equals to hundred Kelvin. क्लियर नाउ कितनी हीट एब्सॉर्ब करेगा ये विच वी फाइंड आउट आउट एज दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा क्यू एंड विच इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी सो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम इज द मैस सी इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वॉटर विच इज फोर्टी जाओल पर किलोग्राम पर कैलवन एंड सिमिलरली डेल्टा टी इज द टेम्परेचर विच इज हंड्रेड कैलवन सो इसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आपके पास डेल्टा क्यू आ जाएगा दैट इज एम मल्टीप्लाई बाय फोर पॉइंट टू मल्टीप्लाई बाय टेन की पावर फाइव जाउल पर किलोग्राम क्लियर सो अब अगर हम बात करें कि कितनी हीट ये अब्सॉर्ब करेगा अगर हम उसका रेट डिस्कस करें कि लेट्स पुज कि हम यहां तो बात की कि टोटल हीट अब्सॉर्ब हो रही है सो so, अब अगर आप उसका रेट फाइंड करेंगे दैट मींस को हम टाइम से डिवाइड कर देंगे सो रेट ऑफ हीट अब्सॉर्빙 एंड दैट इज इक्वल्स टू Delta Q over t naught, and similarly now heat absorbing absorbing in time t v so that is equals to delta. QV एंड विच इज इक्वल टू डेल्टा Q ओवर T नॉट सो इसको हम यहाँ से हमारे पास रेट आ जाएगा इस, इसका और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम टी वी से क्लियर अब डेल्टा क्यू वी जो कि हमने डिस्कस किया लास्ट पोर्ट पर दैट इज एच वी सी टू डेल्टा क्यू वी ओवर एम सो यहाँ से अगर आप डेल्टा क्यू वी की वैल्यू फाइंड आउट करें सो एम वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा सो डेल्टा क्यू वी इज़ क्स टू एम एच वी ओके डेल्टा क्यू भी किसके इक्वल हो गया एम एच वीक्वल यहां हम वैल्यू पुट करेंगे इसकी डेल्टा क्यू क्यूवी की जगह एम एच वी और सिमिलरली डेल्टा क्यू इसकी वैल्यू है हमने यहां फाइंड आउट की दैट इज एम मल्टीप्लाई बाय फोर पॉइंट टू मल्टीप्लाई बाय टेन की पावर फाइव जाओ पर किलोग्राम एंड मल्टीप्लाई बाई टीवी टाइम है आपके पास ट्वेंटी फोर 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 पॉइंट पॉइंट मिनट मिनट डिवाइडेड बाय टी टी टाइम है सिक्स सो so, इसको फर्दर जब डिवाइड करेंगे और सॉल्व करेंगे यहां से एम और एम कैंसिल हो जाएगा so, इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा टू पॉइंट टू थ्री मल्टीप्लाई बाय टेन पावर सिक्स पर किलोग्राम टू गैशियस स्टेट क्लियर बट ये वो वैल्यू है जो हमने एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट की लेकिन एक्चुअली में लेटन हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वैल्यू होती है टू पॉइंट टू सिक्स मल्टीप्लाई बाय टेन पावर सिक्स जाउल पर किलोग्राम क्लियर सो so आई होप ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा टेक केयर अल्लाह हाफिज़